मार्क माय वर्ड, जैसा आपने टाइटल देखा बिल्कुल वही स्ट्रेटजी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे 2023 में आपके पास यूएससीएमए का डेजिग्नेशन होगा। देखिए ये वीडियो पूरा एक्सपीरियंस बेस, बहुत सारे स्टूडेंट को यूएससीएमए टीच करने के बाद जो स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाते हैं और या मुझे पता चल जाता है कि उनकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि वो किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस, आज हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूएससीएमए 2023 में पास करना चाहते हैं तो आपको किन स्किल का होना रिक्वायर्ड होगा, किन एरियाज पे आपको काम करना चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी ओवरऑल क्या होनी चाहिए। चलिए तो वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जब आप इंटरनेशनल एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये तीन स्किल डेफिनेटली होनी चाहिए। पहली स्किल जो मैंने लिखी है, क्विक इंटरप्रिटेशन स्किल। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन 75% पोर्शन एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपके पास समय भी कम होगा, आपको बहुत क्विकली क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसका आंसर देना पड़ता है। तो जब आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पढ़ना है। देखिए जब आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है तो हर एमसीक्यू का एक रॉन्ग आंसर और उसके करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन होता है, तो इसी तरीके से आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल इंप्रूव होगी अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उनका सॉल्यूशन रीड करेंगे और आप देखेंगे कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल इसी तरीके से इंप्रूव होगी। दूसरी स्किल के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आपके फाइनेंस के, कॉस्टिंग के, अकाउंटिंग के फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, अदरवाइज आप स्ट्रगल करेंगे। इसीलिए हम लोग सुपर 75 कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो स्किल टू, आपका बेस बहुत साउंड होना चाहिए, सुपर स्ट्रांग होने चाहिए, इसके लिए आपको काम करना होगा। उसके बाद तीसरी स्किल, प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी गलतियां आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके बेसिस पे आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली फील करने को मिलेगा। अगली देखिए, मैंने यहां पे डिफिकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी, आप इस वीडियो को पॉज करके इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक मैंने क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल डिस्कशन आपसे करूंगा। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर टॉपिक्स देख रहे हैं, अराउंड 15 टॉपिक्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए ये टॉपिक्स जो हैं वो एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को डिफिकल्ट पड़ते हैं, लाइक यूएस गैप फाइनेंशियल टर्म्स, बॉन्ड अकाउंटिंग, डेफर टैक्स, लीज अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये आपका बेसिकली पोर्शन हो गया फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में फिर हम अगर कॉस्टिंग में भी बात करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, और ये आपका सेकेंड पार्ट। ये 15 टॉपिक में से एग्जाम में अराउंड 75% क्वेश्चंस आ जाते हैं, मार्क माय वर्ड। अगर आपने इन टॉपिक्स के ऊपर मास्टरी को अचीव कर लिया आप यूएससीए में 101% बनेंगे। इसीलिए इन टॉपिक्स के स्पेसिफिकली मैं आपको बेसिक लेक्चर, एडवांस लेक्चर और किस तरीके से आपको इन टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर अप्रोच करना चाहिए वो पूरा डिटेल एनालिसिस देता हूं। तो आप डेफिनेटली इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, इन टॉपिक्स में आपके पास मास्टरी होनी चाहिए तभी आप यूएससीएमए की इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। आगे बढ़े, अब दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एज ए राइटिंग। तो सर एज ए राइटिंग के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में मैं एज ए राइटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली 3-4 डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूं कि आपको एज ए राइटिंग को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर सबसे पहली बात मैं बात करूं, मेक स्मॉल नोट्स। देखिए जब आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जब आपके एज ए क्वेश्चन आप करें तो एज ए क्वेश्चन में जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसके बाद आपको पूरा फोकस प्रेजेंटेशन के ऊपर देना होगा कि
क्योंकि एज ए क्वेश्चन में रिटन कम्युनिकेशन भी होती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो प्रेजेंटेशन और उसके बाद एक रिसर्च। देखिए कई बार है ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको थोड़ी बहुत गूगल की हेल्प भी लेना चाहिए जिससे कि आप और प्रैक्टिकल चीजों को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। दो क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक घंटे का समय होगा, तो ये स्ट्रेटजी आपको स्टडी के दौरान फॉलो करना चाहिए कि सर हर ऐसे क्वेश्चन का हम एक समरी नोट्स प्रोवाइड बनाएंगे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को गलत भी किया लेकिन जब उसके क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने उसका सॉल्यूशन पढ़ के उसकी समरी नोट्स बना ली, तो जब सारे ऐसे कंप्लीट होंगे तो आपके पास एक बुकलेट होगी आपकी ओन रिटन, जिसके बेसिस पर आप ऐसे को आने वाले समय में बेटर तरीके से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए ऐसे का एक प्रिंट भी दिया हुआ है। देखिए इतने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और उसका सॉल्यूशन नीचे मेंशन है यहां पर, जैसे कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्रेडिबिलिटी, तो आपको टेक्निकल वर्ड वहां पर लिखना होगा। तो जब आपको टेक्निकल वर्ड आप कब लिख पाएंगे, जब आपने हर एज ए राइटिंग को अच्छे से समझने के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स बना लिए। अगर आप ये काम करेंगे डेफिनेटली आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सारा मैं आपको एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं अपने स्टूडेंट का जिन्होंने की एग्जाम को पास किया। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देखिए जब हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं तो आप जैसे जैसे यूनिट्स को सॉल्व करते जाते हैं, जैसे जैसे आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, एज ए को सॉल्व करते हैं, आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होती है। उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मैं पर्सनल लेवल पर ऑब्जर्व करता हूं। सो जैसे मैंने यहां पर देखिए एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को यहां पे पेस्ट किया हुआ है, 81 स्कोर, 81% उनका ग्रेड रेट आ रहा है और हर यूनिट देखिए यहां 80, 76, 82। तो आप जब तक हर यूनिट के अंदर 85% स्कोर नहीं कर लेते आप स्ट्रगल करेंगे, और जैसे जैसे आप अगर अचीव करते जा रहे हैं कि सर हमारा हर स्कोर में 85-90 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी यूनिट में आपका वीकनेस है तो आपको उस यूनिट की और हार्डवर्क करना पड़ेगा। जब तक आप 85 अचीव नहीं कर लेते आप सीएमए की एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। ये रिपोर्ट मेरे एक स्टूडेंट की है जिन्होंने की यूएस सीएमए को पास किया है और मुझसे ग्रीन सिग्नल लिया कि सर नाउ देखिए मेरी ये रिपोर्ट आ रही है, मेरी ग्रेड 82% आ रही है, तो डेफिनेटली आप पास होंगे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मॉक एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। देखिए इतना ह्यूज अमाउंट, $450 समथिंग एक पेपर की आपकी कॉस्ट है, तो बिना मॉक दिए कैसे आप एग्जाम को अपीयर कर सकते? जैसे ही आपकी सारी यूनिट्स हो जाती हैं, उसका एक कंसोलिडेट टेस्ट बनाइए और देखिए क्या उसमें आप 80% स्कोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब जाके आपको अपनी ओरिजिनल एग्जाम सीएमए की बुक करना चाहिए। देखिए एग्जाम में विंडो फ्लेक्सिबल है, 6 विंडोज ओपन होती है, तो आपकी एग्जाम को प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं अगर आपका स्कोर 80% मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, तभी आपको सीएमए की एक्चुअल एग्जाम में क्या करना चाहिए, अपीयरेंस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, 75% थ्योरी इन एग्जाम। इवन कई बार 80% तक क्वेश्चंस आ जाते हैं थ्योरी, मतलब थ्योरी का मतलब आपको नंबर क्रंचिंग नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपनी स्टडी में कभी भी थ्योरी को इग्नोर नहीं करें, हमारे समरी नोट्स को डेफिनेटली पढ़ें जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको थ्योरी समझ में भी आएगी और आपके माइंड में रिटेन भी रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसको कई बार स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, केवल नंबर क्रंचिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वेन टू गिव और एक सही स्टडी प्लान आपका डे वन से होना चाहिए। आप कहीं भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए बिना स्टडी प्लान के आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डे वन पर जैसे ही स्टूडेंट हमारे एनरोल होते हैं, मेंटोरशिप पैच में मैं 1-to-1 स्टूडेंट के साथ में एक जूम मीटिंग करता हूं, उसका प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना
और ये डिसाइड करना कि आपके लिए सही समय क्या होगा इस एग्जाम को देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर सही प्लान ही नहीं होगा तो कभी भी आप सही अप्रोच से इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। अब एक रिवीजन स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए दो पार्ट हैं, तो आप पार्ट टू पहले स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है, और आपको रिवीजन के लिए एक समरी नोट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल बार बार चीजों को नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम आपको यूएससीएमए के समरी नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस समरी नोट्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे पूरा डिटेल पढ़ने के बाद, आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम को पास करने के लिए। आई एम 100% श्योर कि आप 2023 में इस ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन को अचीव करेंगे, और यूएससीएमए आपका ड्रीम नहीं, ये रियलिटी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आपको इस प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।